दोस्तों प्रभास की फिल्म आदि पुरुष जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे वो फिल्म फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि उस फिल्म को रिलीज़ हुए 2 दिन हो चुके हैं। दोस्तों ये फिल्म रामायण पर बेस है। आज हमको बताएंगे इस फिल्म का 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट है या फ्लॉप। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यह फिल्म 600 करोड़ के मेगा बजट में बनी है। इस फिल्म के मेन लीड में है प्रभास और कृति सनन और इस फिल्म के डायरेक्टर है ओम राउत और सैफ अली खान इस फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म ने 2 दिन में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में करीब 100 या 90 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी कलेक्शन इसने ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड में मिलाकर 140 करोड़ का नेट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किया। और दूसरे दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन और किया था। एंड टोटली 2 दिन का कलेक्शन मिला कि इसमें 240 करोड़ कलेक्शन किया था। इसमें कलेक्शन अगर हम देखें तो इसमें कलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये सिर्फ प्रभास के स्टार पावर की वजह से है। और वही 600 करोड़ के VFX के नाम पर हमें कैसा VFX देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, और इस फोटो में देखिए ऐसा लग रहा है सैफ अली खान यानी रावण को टी शर्ट पहना दिया हो, चूना लगा दिया। और यही नहीं दोस्तों, काफ़ी लोगों के अनुसार इस फिल्म में रामायण को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है और इस फिल्म में काफ़ी अजीब और काफ़ी वाहियात डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद काफ़ी लोग इस फिल्म को बैन करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरी राय से सहमत नहीं हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, फिर कमेंट में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खैर मुझे जैसा लगा मैंने कहा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। अगर आपने आदि मुझे देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना।